इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसे किस्से और कहानियां मौजूद हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। फेस ऑफ हरियाणा 0045 के इस पार्ट में हम ले चलते हैं आपको कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर शहर में बने प्राचीन शिव मंदिर, जो है स्थानेश्वर नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर हमारी नई वीडियो कुरुक्षेत्र पार्ट 5 के साथ, और मैं हूं आपका भाई मिस्टर राज। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम आए हैं जिला कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर शहर में, जहां पर बना है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, और यह मंदिर है महाभारत काल के समय से भी अधिक पुराना। और यहां पर श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ की थी महाभारत युद्ध से पहले पूजा, और कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र यात्रा इस मंदिर के दर्शन के बिना है अधूरी। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ यहीं पर बने स्थानेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे विजय प्राप्ति के लिए, और लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक यह स्थानेश्वर मंदिर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने यहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी, और धरती पर सबसे पहले यहीं पर शिवलिंग की पूजा की गई थी। और दोस्तों, आप जो यह सरोवर देख रहे हो, यह सरोवर मंदिर के बिल्कुल सामने बनाया गया है, और राजा भानजो की भारत के शक्तिशाली और महान राजा थे, उनका कुष्ठ रोग इस सरोवर की मात्र कुछ बूंदों से ही ठीक हो गया था। और दोस्तों, वामन पुराण में इस तीर्थ को स्थानु तीर्थ कहा गया है, और कहा गया है कि इस तीर्थ के मात्र दर्शन से ही व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। और कुरुक्षेत्र यात्रा करते समय अगर आपसे यह तीर्थ छूट जाता है तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, अभी हम मिलाते हैं आपको इस मंदिर के पुजारी जी से और पूछते हैं इस मंदिर की महानता। तो दोस्तों, अभी गुरु जी हमें बताएंगे इस मंदिर के महानता के बारे में। नमस्कार गुरु जी। गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को इस मंदिर की महानता के बारे में बताएं। धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र के श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में एक रूप से हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं। कहीं भी रहे, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सामने, विष्णु जी के सामने यह बात कही है कि मैं यहाँ हमेशा एक रूप में विराजमान रहूँगा, इसलिए मेरा नाम स्थानु होगा और मुझे स्थानवीश्वर के नाम से भी जाने जाएगा। और इन्हें स्थानेश्वर के नाम से ही शहर का नाम स्थानेश्वर पड़ा है और आज तक चल रहा है। तो स्थानु या मचलो स्नातन है। स्थानु जो है अचल अर्थात निर्विकार है, अचल कहीं नहीं जाने वाले, और स्नातन मैंने सबसे पुराने हैं। सर्वप्रथम इस धरा पर जब शिवलिंग में पूजा नहीं होती थी, ऋषि लोग और देवता लोग भगवान से, शिव से साक्षात्कार ही मिला करते थे। तो उसके बाद कालांतर में जब ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी,
तो सर्वप्रथम धरती पर ब्रह्मा जी ने ऋषियों के सहयोग से स्थानो नाम के शिवलिंग की स्थापना की है। सभी भक्त अपने को धन्य यहाँ का दर्शन करके धन्य समझते हैं। बोले स्थानेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद गुरु जी हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। खुश रहें आप, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांति। तो चलिए दोस्तों, अभी कराते हैं हम आपको शिव भोलेनाथ जी के उस शिवलिंग के दर्शन जो धरती पर स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा सबसे पहले यहाँ पर स्थापित किए गए थे। और देखिए दोस्तों, ये है वो शिवलिंग जो धरती पर सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया था। और सबसे पहले यहीं पर शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ जी की पूजा की गई थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से इस तीर्थ की जो यात्रा की है उससे मन को शांति और आनंद की अनुभूति की होगी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा कुरुक्षेत्र पार्ट 5 कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।